गुड मॉर्निंग, खमा गनीसा, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इट्स मॉर्निंग टाइम, अभी हुए हैं 7:50, पता नहीं आपको दिख रहे हैं क्या। हाँ, 7:50 हुए हैं। मैं शावर वगैरह लेके आ गई हूँ और आज बहुत ठंड हो रही है बाहर, थोड़ा फॉग टाइप में हो रहा है और अब लग रहा है हाँ ठंड आ गई है। मेरा मन नहीं था आज उठने का बिल्कुल, लेकिन उठना पड़ा। और आते मैंने अभी पहले लड्डू के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, उसको उठाते ही सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पिलाऊँगी और लड्डू की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में चल लगेंगे किचन में। और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर, सो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे एक चीज़ की याद आ रही है, बताओ। तो अभी मैंने मेरे लिए बनाया है सूजी का वेजिटेबल वाला, थोड़ा सा चीला चीला की शेप नहीं आई बट बन गया है। आज मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा बिजी भी थी और थोड़ा मेरा आज हेडेक हो रहा था। और जब अभी मैंने बनाई है पालक पनीर, मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं पालक पनीर बनाऊंगी, तो मिर्च बना के रखती है साथ में पालक पनीर बन रही है। रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई पर नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी, पर बहुत सिंपल है। आप है ना, पहले पालक को और हरे धनियों को पानी में बॉईल कर ले, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 2 से 4 मिनट कर ले, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दें ठंडे पानी से धो के। उसके बाद में मैंने कढ़ाई में 1.5 चम्मच तेल चढ़ाया था, उसके अंदर जीरा डाला, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और थोड़ा सा नमक डाल के उनको फ्राई कर लिया था, फिर उनको पीस लिया, पालक और धनिया के साथ में पीसा था मैंने। उसके बाद में मैंने घी चढ़ाया, घी के अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा 1 चम्मच आटा, ये मिला के फ्राई किया और मतलब थोड़ा भुना। और उसके बाद में मैंने डाल दिया वो मसाला, प्याज, टमाटर और वो पालक वाला वो धनिया मिला के। अब मैं इसको उबाल रही हूँ, अब इसमें बस पनीर डालना है और हाँ नमक भी मैंने मिला दिया है। और बस अब इसके अंदर हम डालेंगे पनीर, और ये सारा पनीर मेरा घर का बनाया हुआ है। टोपो लगा रहे देखो। और ये हम बना रहे थे बाजरे की रोटी, जो कि मुझे नहीं बनानी आती है, तो मम्मी ऐसे बना देती है और मैं इनको सेक देती हूँ। फर्स्ट थाली तैयार हुई हमारे लड्डू की, बाजरे की रोटी, घी, गुड़। तो ये लड्डू को सबसे पहले भोग लगाया मैंने बाजरे की रोटी का। आज का खाना है बाजरे की रोटी, ऊपर से घी, गुड़ है, पालक पनीर है, मिर्ची है, छाछ है। गुड मॉर्निंग। सो जैसा कि हमारा रूल है कि हम एक व्लॉग को खींच लेते हैं काफ़ी लंबा, एंड सीरियसली बताऊँ तो मैं जो मैंने आपको लास्ट क्लिप दिखाई है जिसमें मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी वगैरह, उसके बाद तो आई थिंक 1 वीक का गैप आ चुका है जब मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी। जब भी अगर मैं इस तरीके से गायब हो जाती हूँ तब समझ जाया करो थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, और प्लस थोड़ा सा बिजी भी चल रही थी, तो बिजी से मतलब घर के काम में ही बिजी चल रही थी, बट तबीयत का थोड़ा सा था, आप मेरी आई से भी देख पा रहे होंगे, तो अभी थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने कहा चलो अब ब्लॉग, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इवन इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे डीएम आ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। इंस्टाग्राम पर मैं काफ़ी अभी मतलब एक्टिव, काफ़ी ज़्यादा मतलब रील्स और ये फोटोज़ पोस्ट करना भी मैंने काफ़ी बंद कर दिया है। बोलना तो मैं जा रही थी कि एक्टिव नहीं, बट मैंने काफ़ी बार ज्वाइन कर किया था। तो अभी मॉर्निंग में मैं नहा के नीचे आ चुकी हूँ, मैं 7:15 बजे तक नहा के नीचे आ जाती हूँ, उठते सबसे पहले मैं नहाती हूँ क्योंकि मुझे लड्डू की पूजा करनी होती है, तो फिर मैं नहा के भी नीचे आ चुकी हूँ। और मैं ये जो सूट पहन रही हूँ उन दिनों, ओके हाँ किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं सूट वगैरह पहनती हूँ, हाँ जी मैं यही पहनती हूँ। तो ये जो सूट है ये शायद मैंने अमेजोन से लिए हुए हैं, जिनका मैं हॉल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में। और ये कॉटन वाले जो दुपट्टे होते हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोग जयपुर से हो और आपको पता है कि कहीं रीज़नेबल रेट में ऐसे सूट मिलते हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कहाँ मिलते हैं, डेली वेयर के लिए थोड़े रीज़नेबल सही लगते हैं।
और अभी मैं फटाफट से क्या करती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ। पहले पापा को दूध गर्म करूँगी, पापा को दूध ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये रख के फिर मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं काम में लगती हूँ। बताती हूँ कि पापा का, अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं क्या क्या रख रही हूँ, बताती हूँ बताती हूँ वेट। तो पापा का सुबह सुबह ये जो खजूर होता है, पिंड खजूर बोलता है, तो चार ये रखती हूँ, बादाम रखती हूँ, अखरोट ख़त्म हो गए हैं, दो पीस अखरोट के रखती हूँ, साथ में ये होता है चनप्राश, पहले मैं बोलती थी चनप्रकाश और ये दूध होता है। तो ये पापा का नाश्ता होता है। मम्मी को सुबह उठते ही सबसे पहले एक खीरा काट देती हूँ, और ये बादाम अखरोट है नहीं, और साथ में मम्मी की दवाइयाँ हैं। आप लोग बोलते हो मम्मी को क्या हो गया, तो मम्मी को पीपी शुगर ये सब प्रॉब्लम है, तो उसकी मैं अभी सामान की लिस्ट बना रही हूँ, दो तीन दिन से बनानी थी, पापा बहुत बार बोल चुके, थोड़ा सामान ख़त्म हो गया है, तो उसकी लिस्ट है, लाइक जैसे ऑयल हो गया, चीनी, बादाम, अखरोट, दाल, मसाले ख़त्म हो चुके हैं, तो इसकी लिस्ट बनानी है, पापा को फॉरवर्ड करनी है। सुबह से लिस्ट बनाऊंगी, उसके बाद मैं पापा को भेजूंगी, क्योंकि टाइम लगेगा इस लिस्ट में, एक डब्बा देखना पड़ेगा मुझे, और उसके बाद में सुरभि जी जा जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे मंदिर, मंदिर जाते हैं एक पास में, और तो उसके बाद में कुछ शूट्स भी हैं, वो भी करने हैं आज। नहीं आ रहा ये सुरभि जी जा का बेटा है, इसको अगर मिट्टी में आपने गलती से छोड़ दिया तो सारी मिट्टी अभी देखे इसके मुँह में होगी। टुक्को टुक्को से हाय, टुक्को मिट्टी खानी है आपको, मैं आपको और ला के दूंगी, ये देखिए कितना क्यूट है बहुत शाय है, है? हैं बढ़ते इनको भी खा लेता है, यार ये कितना क्यूट है, लेकिन मेरे को बिलीव नहीं हो रहा ये आपका बच्चा है ना। उठा के लाए। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मंदिर जाने वाले थे, और उसके बाद में हम लोग मेरे घर गए थे, एक शूट था, बट सडनली प्रीति जी का कॉल आया कि घर आ जाओ, तो शूट हमने कैंसिल कर दिया कि कल करेंगे, तो अभी हम उनके घर आए, और साथ में है सुरभि जी और उनका बीवी, अभी मैंने दिखाया तो बहुत क्यूट है, बच्चे बड़े क्यूट है यार मेरे दोस्तों के तो चलते हैं उनके पास। मैडम लिफ्ट विफ्ट लगवा लो, लिफ्ट क्यों, थोड़े पतले हो जाओ, देखो ये देखो, मैंने आप देख सकते हो ये लिफ्ट के लिए, बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को परेशान ना किया जाए, मैंने कहा था फोन चालू करके, ये दिन में इतना मेकअप करके, बता रही हूँ ना वहां जाके आई थी ना, सिंपल रहना मुझसे सीखो यार तुम, तो मेरा मेरे को ज्यादा दिखा दिया, इससे ठीक हो जाओ तो मैं दिखाती हूँ इसको, कुछ नारी पंचायती हो रही है क्या हो गई ये टाइमर सेट कर रखा था मैंने, बर्तन साफ करूंगी उनसे आने से पहले पहले, पर मुझे सीरियस मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बर्तन साफ करने आई जाओगे, चार पांच, अच्छा मैं फॉर्मेलिटी कर रही हूं कि मन बुलावा की, चार पांच दिनों से मैडम थी नहीं और हम मिल भी नहीं पाए थे, हम रेगुलर मैसेज कॉल कर रहे थे कब आओगी कब आओगी, अब है ना हम फुल ऑन मस्ती करने वाले हैं आप सबके साथ, यस, और हम चैलेंज वीडियो भी मत दिखा देना, नहीं तो सबको पता है सपना जीजा भी ऐसे रहती है, नहीं देते। सो अभी हम लोग बस बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और ये मैडम व्लॉग फिर से स्टार्ट कर दिए, एक तो मेरे कपड़ा मत दिखाया कर सपने, सगला मेरे सगाई पता ही होगा, उनका मेरा टॉपर रहेगी, टॉपर होगा क्या सगाई, लाइक टावर होगा का सगाई, लाइक सगाई बनी होगी तो इतना जना देखेगा कि सासू तो फूवर्ड है, सासू कौन करेगा, मैं कौन करूंगा मेरे लिए किसी यार, अरे वाह देखो बच्चे को अभी से ये पूरी ट्रेनिंग दे रही है, पूरी ट्रेनिंग दे रही हूँ, मतलब बच्चे क्या, बच्चा कोई मतलब नहीं है इसका व्लॉग का,
शुरू से सिखाना चाहिए था। और चम्मच इतनी छोटी लेके आई है ना प्रीति जीजा, पता नहीं इतनी छोटी चम्मच से हम कैसे खा पाएंगे। ये देखिए आप, छोटी है चम्मच, बहुत ज्यादा छोटी है यार। ये टाइमर सेट कर देते हैं, देखो अच्छा लगेगा। तो टाइमर सेट कर दिया जाए, ये तो दोनों अच्छे से व्लॉग बनाएगी। हाँ। आइसक्रीम पता है प्रीति जीजा ने हमें दो दो कटोरी आइसक्रीम खिला दी, हाथ ही ठंडे हो गए खतरनाक वाले। हमने कहा इतना मुंह मीठा हो गया, थोड़ी नमकीन ला दो मैडम, ला दो। इतने सारे बर्तन हो रहे हैं, ये दोनों साफ करके जाएगी क्या? मुझे एक काम करना पड़ेगा। तीन कटोरी है, देख लो इनमें मन किया है। चलो क्या है, तो चम्मच लाके दिया तुझे, ऐसे ऐसे खा। तो वो रिश्ते के लिए आएंगे तो वो मेहमान को यही रख देंगे सामने। नहीं उस टाइम तो, अरे गाइस उस टाइम तो मैं बहुत अच्छे अच्छे से आपकी खातरदारी करूंगी, मेरे बच्चों की सगाई होगी। तो ये क्या सगाई थोड़ी लेके आई है, सगाई लेकर आ जाऊँ तो मिठाई हमारे भी तो होती ना। तुम आप एक्सचेंज कर ले बच्चा। हाँ आप रहो जैसी के, क्यों तो सगाई थोड़ी जैसी पर तो नहीं बचाएंगे। जूसा खाइए, जूसा है ना, मैं है बनी रोत राजपूत होगा कोने अमन कंटा। चल पता कर लेवा, अगर होता कर लेवा हो से जाने तो मैं दोनों सबदन हम बन जाऊंगा। हार्ट का पक्का है ना। हाँ तो पर बस समन बनूंगी ना, जल्दी लाके दूंगी। तो ये थोड़ी सी गेम अभी तक ने वो लगा के लिया पूरा तो बारू प्रैक्टिस कर ले। और हाँ गाइस एक चीज और लेके आ रही हूं तेरे लिए, दो मिनट में आ रही हूं, पर वो भी मैं कोई कटोरी में लेके ले ली थी। कहीं कटोरी में ले रहा हूं। ये कौन सी आपको तो फेमस पेड़े और टोमेटो कौन खाऊंगा, क्यों आइसक्रीम खा ली, खाना पड़ती है तो खाना पड़ती खुद तो। अभी तो बोली तू समन जन ले रही हूं, पेड़ा पेड़ा सिर्फ समन ना ले ली। अच्छा उस सगाई होगी ना शादी करेगा आजकल, दो तीन साल चल रहा है। और मैं मेरी बेटी ने काजू बादाम क्यों कौन खाऊं, तो टेंशन मतलब पतली सी रखूंगी सुखड़ी सी तेला बेटा ने गिता ज्यादा बहुत थोड़ा। अभी तो दो साल की तो है, तीन साल की जैसी बा उसी जद गई। हाँ तीन साल तो चल जाए बच्चे ना। तो अभी जाता है ट्राई करो, दुनिया का इंठा पड़ सी तो जाता है ट्राई करो। ये दो तीन तो आपको बदल सही है। हाँ वो तो पक्के फाइनल है ना, एकदम डन डन है। चल मेरी मेरी बेटी ना थोड़ी अबीर नहीं कीजिए मना रहा है, थोड़ी फोला हूँ पालूंगी मैं। आपको पहले की बातें बताती हूँ, जब है ना कोई भी मेहमान है ना कुछ देके जाते थे ना, तो मम्मी बस यहाँ निकलता नहीं है कि लेता होता है 500 का नोट। जब मैं ये नहीं मैं मेरे लुका रेट राख, फिर मम्मी बोलती पहले दिया जरा दिया अग्नि, ये तो हर मम्मी का पेटेंट डायलॉग है, पहले मैंने दिए थे इसलिए तेरे को दिए। हाँ ये तो सही कह रही है। और तुम बेटी हो जाने तू बब्बू बना लीजिए, ठीक है ना। बूमा एकदम अच्छे से राशु गाय आप देख सकते हो, ये कुत्तों का निकल जाओ गाड़ी लिए रबी लाड़ काम कराती रहे, उसको भी लेके जाएंगे और घर पे काम वाली रखेंगे। ये कहीं टेंशन मत ले, दोनों बू और सासू वीडियो बना लीजिए। तो एक लड़को करता है एक लड़की करता है, दुनिया को सिस्टम सही हो जैसे जुड़वा ही करते हो जुड़वा करता है। चलो हमारी रिश्तेदारी पक्की हुई, मिठाई विठाई भी हमने खा ली रिश्तेदारी के नाम की। मैंने इसको ना ठंडा भी खिला दिया और नमकीन भी खिला दिया और इधर आप देख सकते हैं मीठा भी खिला दिया। और क्या मेरा जीव लेके जाएगी मुझे, और फिर भी ये हाथ में नहीं दे रही मेरी बेटी को। मुझे नमकीन इतनी पसंद है, ये इसने मेरा पूरा पैकेट मेरे सामने ला के रखा है, खाली पैकेट होगा। ले मैं चेन दे दूँ, हाँ हमारी सासू मन दी मैं हमारी बेबू ने दे दूँ, पुछते नहीं चेन चल जाती। पहली बच्चों कर आइए, पहली चेन दे रही है बच्चों कर रही को नहीं। का है मेरी बहू बहू रानी का है मेरी किशु बच्ची है किशु सगी सा रो
होवे जाते है टाइम पे लेके आते के मतलब चला टुकुम होकर सर मारन लाइन बात सुनो कि मतलब चला टुकुम होकर ले गया सो किसा को कहीं सिखाओ तो बाहर उठा अपना टुकु बगा के जाना किसा को देख सकते हैं सुरभि भाई साहब पीछे हाय सुरभि बाय अभी तो सपना भाई से गिर भी जाते यस बाय 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 रोटी कर मेरे व्लॉग में बाय रोटी बनाने का टाइम हो गया रोटी बनाने का टाइम हो गया मेरा तो कुछ भी अभी तो हां कि तुम यही तो अकेला रहो सास ससुर घूम रहे हो थके सके मन तो बनानी है यार एक तो आईफोन का कैमरा है मुझे इतना गंदा लगता है चलो मैं मेरे व्लॉग को बंद कर रियलिटी दिख जाती है क्या असलियत है कैसे है चलो भी चलो कहीं से भी अच्छा नहीं आ रहा इधर लोकेशन ये ठीक है ये तो देखो इन्होंने सरासर मेकअप किया हुआ है पूरा का पूरा तो आप देख सकते हैं मैंने रील्स वगैरह भी बनाई काफी सारी अगर आपको रील्स वगैरह मेरी देखनी है प्रमोशन हर जगह अगर आपको मेरी रील्स वगैरह देखनी है तो प्रीति सूर्या राठौड़ के नाम से मेरी आईडी है मैं एडिटिंग कर दूंगी वहाँ पे भी जाके आप है ना मुझे फॉलो करें और मेरे व्लॉग्स को भी आप प्यार दें एडिट कर दूंगी ये नहीं आएगा बिल्कुल नहीं ये आएगा आएगा ये अगर ये नहीं आया ना तो कमेंट करके इसको मारना तो मैं भी बातें डाल दूँ जो है ना वॉइस में म्यूट सो गाइस अगर आपको है ना मेरा व्लॉग्स भी देखना है आपको तो प्लीज मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल का नाम है प्रीति सूर्या राठौड़ और उस पे जाके भी मैं डर गया धीरे बोलो डर गया सब्सक्राइब डर गया मेरा अच्छा अच्छा नहीं नहीं डरना नहीं यार डरना नहीं चलो मैंने ठीक है वो डर गया मुझे है ना जो पार्सल्स ऐसे मिलते हैं और उसमें जो प्यारे प्यारे से कस्टमाइज जो खुद जो हैंड रिटन नोट होता है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मतलब एक होता है ना दिल से अटैच करते हैं वो चीज़ें सो थैंक यू सो मच इन्होंने लिखा है हेलो डियर आई एम सेंडिंग सम कॉस्ट्यूम फ्रॉम आवर कलेक्शन आई होप यू लाइक इट एंड यू वी आर द सेम एंड टैग अस ऑन इंस्टाग्राम हैंडल वी विल टच इन फ्यूचर ऑल्सो बेस्ट विशेज थैंक यू और ये देखिए ये इनका वो है कार्ड है इनका विजिटिंग कार्ड है इनका स्टोर का सो बहुत ही प्यारा इस ड्रेस की फोटोज पिक्चर्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना वहाँ आप देख पाओगे आपको परचेज करना तो आप इनसे परचेज कर सकते हैं ऑल काइंड ऑफ वुमन एंड किड्स वियर इनके मिल जाएंगे इनके इंस्टाग्राम के और ये देखिए इंस्टाग्राम मेल फेसबुक इनके नंबर सब कुछ यहाँ आ रहे हैं इनका जो स्टोर है वो है जगदम्बा नगर कालवाड़ रोड पे है आप वहाँ से इनको ले सकते हैं सो फटाफट से मैं ऐसे नोट्स बहुत संभाल के रखती हूँ तो रेडी हो जाते हैं अब ये देखिए बस मैं रेडी हो चुकी हूँ बहुत ही प्यारा सूट है पिंक एंड ग्रीन कलर का है और यहाँ पर इस तरीके से देखिए डोरियाँ लगी हुई हैं साथ में पिंक कलर की पैंट है जो कि फिटिंग बहुत अच्छी है दुपट्टा पूरा फुल लेंथ का है अगर आप परचेज करना चाहते हो तो उनका फ़ोन नंबर और जो इंस्टाग्राम का पेज है वो स्क्रीन पर आ रहा है देखिए सोई कर ली कर ली क्या सोई मम्मा क्या बोलती कूह काली है तो मम्मा आप कर लो मैं तो गोरी हूँ कूह धूप सेकती है रोज तो मम्मा सर्दियों में तो धूप ही सेकूंगी ना सीधी है ओ बात लड़ाकू है इतनी सी भी है सीधी है भाई कूहू तो नहीं कूहू तो नींद में हो रही है कूहू उधर देखो फोटो खिंचवा लो कौवा कुआ की कौवा कौन है ये कौन है ये अभी नींदो है तो हंसती तो तेज हाँ कुन्नू को अच्छी लगती है ना नींदो है ना सुबह सुबह फोन करो मम्मा को 7 बजे बिजी फोन गुन्नू की वीडियो को लेते हैं सुबह सुबह अल्ले अल्ले गुन्नू की शादी कर देते हैं फिर गुन्नू की भी हो जाएगी अभी नींदों में इसलिए मन नहीं हो रहा नींदों की तो खूब ज़्यादा हंसती है तो सो व्लॉग की एंडिंग क्लिप लेना जैसा हूँ भूल जाती हूँ हमेशा ही भूल जाती हूँ सो इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड प्लीज सपोर्ट माई चैनल बाय बाय